नमस्कार नमस्कार साथियों, अपना जो है कि यूनिट नंबर 5 ऑक्सीलेटरी मोशन चल रहा था, उसका आज का अपना कौन सा क्लास है, चौथा क्लास है। आज की क्लास में हम जो कि अपने पास में कुछ आगे के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है, उसमें अपने को दिया गया है कि सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का आयाम दे रखा है 4 सेंटीमीटर, संतुलन की स्थिति से कितने विस्थापन पर इसकी ऊर्जा आदि गतिज ऊर्जा और आदि क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, ये अपने को याद करना है। तो आदि गतिज ऊर्जा और आदि स्थितिज ऊर्जा के लिए अपने पास में विस्थापन का मान कितना होता है। सॉल्यूशन के लिए हम बात करें, अगर अपने पास में टोटल एनर्जी में से आदि तो अपने पास में है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, आदि अपने पास में है पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके लिए जो अपने पास में विस्थापन होता है वाई, विस्थापन वाई इक्वल टू अपने पास में होता है ए अपॉन रूट टू, ये होता है अपने पास में वाई इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। यहाँ से अपने को ए का मान दे रखा है, आयाम 4 सेंटीमीटर, उठा के रख देते हैं यहाँ से वाई याद कर लेते हैं। तो वाई इक्वल टू कितना होगा, वाई इक्वल टू आयाम का मान दे रखा है 4, ये बट्टा रूट दो। थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसको, ये कटेगा अपने पास में, ये बचेगा 2 रूट 2, यानी कि अपने पास में विस्थापन का मान कितना होगा 2 रूट 2, सेंटीमीटर में है ही, तो ये सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 4, सही है। थ्योरी क्लास में करवा रखा है इसको, थ्योरी क्लास में अपने पास में अगर आदि गति ऊर्जा है, आदि स्थिति ऊर्जा है, तो वाई का मान अपने पास में होगा ए अपॉन रूट टू, सही है। तो ये ए अपॉन रूट टू यहाँ रख देंगे, ए का मान क्वेश्चन में गिवन है, ए का मान रख के यहाँ से वाई याद कर देंगे, सही है, सिंपली सोल्व हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2, एक वस्तु आयाम ए के साथ सरल आवर्त गति कर रही है, माध्य स्थिति से ए बाय रूट टू दूरी पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के मध्य सही संबंध क्या होगा। अब ये बोल रहा है माध्य स्थिति से दूरी है ए बाय रूट टू, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, वाई का मान वाई इक्वल टू ये अपने पास में है ए बाय रूट टू। अगर वाई का मान अपने पास में ए बाय रूट टू है, तो इसमें अपने पास में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो अपने पास में होगी 3/4 E, और जो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास में होगी वो अपने पास में कितनी बचेगी 1/4 E, सही है। अगर वाई इक्वल टू अपने पास में ए अपॉन रूट टू है, तो इस केस में अपने पास में जो कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी, उस वाले केस के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी, ए बाय रूट टू की बात कर रही है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अपने पास में होगी ई बाय टू आदि, और पोटेंशियल एनर्जी ये भी अपने पास में कितनी होगी ई बाय टू, सही है। अगर वाई का मान अपने पास में वाई का मान बराबर ए अपॉन रूट टू दे रखा है, तो आदि तो अपने पास में काइनेटिक एनर्जी होगी, आदि अपने पास में क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होगी इस वाले केस में वाई इक्वल टू ए बाई टू में, इसमें ये तो दे रखा है गतिज ऊर्जा आदि गतिज ऊर्जा आदि ऊर्जा होगी अगर वाई इक्वल टू ए बाई रूट टू है, सही है। तो ये खुद ने दे रखा है वाई इक्वल टू ए बाई रूट टू दे रखा है, तो गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा क्या होगी बराबर होगी, तो यानी कि अपने पास में काइनेटिक एनर्जी इक्वल किसकी होगी पोटेंशियल एनर्जी की। अगर वाई इक्वल टू ए अपॉन रूट टू है, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी, कौन से ऑप्शन में ही, ये तीसरे ऑप्शन में, सही है। या फिर अपने पास में फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में मान रख के भी इसको सोल्व कर सकते हैं, देखना कैसे याद कर सकते हैं। अगर अपने को काइनेटिक एनर्जी याद करनी है, काइनेटिक एनर्जी अपने पास में होती है 1/2 m² a² माइनस का विस्थापन वाई स्क्वायर, तो वाई का मान ये रख दो उठाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी कि a² / 2, कितना बचेगा यहाँ से काइनेटिक एनर्जी, ये बचेगा 1/2 m² ए स्क्वायर में से जाएगा a² / 2, सही है। तो कितना बचेगा यहाँ से, ये अपने पास में a² - a² / 2, तो यहाँ से अपने पास में लोग उतरेगा 2, ये 2 a² में से जाएगा a², तो ये अपने पास में यहाँ से बचेगा a², सही है, ये अपने पास में बचेगा। तो यहाँ से देखना अपने पास में काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m² a², ये होता है E के बराबर, टोटल एनर्जी के बराबर बट्टा ये अपने पास में 2, तो यहाँ से अपने पास में काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी E/2, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, ये भी अपने पास में कितनी होगी E/2, दोनों का योग करेंगे, दोनों का योग अपने पास में टोटल एनर्जी के बराबर होगा, तो आदि काइनेटिक एनर्जी आदि पोटेंशियल एनर्जी होगी अगर अपने पास में y = a/√2 है, तो ये आदि काइनेटिक एनर्जी आदि पोटेंशियल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी ऑप्शन में, तीसरे में, सही है। डायरेक्ट या तो सीधा कर देंगे, नहीं तो यहाँ से वैल्यू निकाल भी सकते हैं, सही है। तो इन दोनों को क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें अपने को दिया गया है सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा ई है, तब आयाम से आधे विस्थापन पर गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा, सही है। तो देखना अपने पास में, सॉल्यूशन की हम बात करें, तो गतिज ऊर्जा
आयाम से आधे विस्थापन पर, यानी कि y बराबर a बाई टू पर आयाम से आधे विस्थापन पर गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये अपने पास में होता है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी याद कर लेंगे, देखना कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर अपने पास 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में ए स्क्वायर बाई फोर। थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम आएगा, 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या 3 ए स्क्वायर बचेगा, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका मान तो अपने पास में कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका मान अपने पास में हो गया एनर्जी के बराबर, ये बच गया अपने पास में 3/4। तो काइनेटिक एनर्जी का मान तो होगा 3/4 ई, और पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना होगा, ई में से इसको लेस कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी अपने पास में, टोटल एनर्जी ई माइनस काइनेटिक एनर्जी 3/4 ई, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये अपने पास में हो जाएगी 4 माइनस 3 कितना बचेगा अपने पास में, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, ई बाई 4। सही है, तो अपने पास में गतिज ऊर्जा का मान 3/4 और स्थिति ऊर्जा का मान ई बाई 4, कौन से ऑप्शन में है ये अपने पास में है तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, अपने को दे रखा है सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा ई है, तब आयाम से आधे विस्थापन पर, आयाम ए बाई टू, आयाम से आधे विस्थापन पर वाई इक्वल टू ए बाई टू पर अपने को चेक करना है, तो वाई इक्वल टू ए बाई टू पर गतिज ऊर्जा का मान तो होगा 3 ई बाई 4 और स्थिति ऊर्जा का मान होगा ई बाई 4, जो ऑप्शन 3 में मैच करता है। सही है, आगे अपने पास में क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4, एक कण आयाम एक की सरल आवर्त गति कर रहा है, जब कण की स्थितिज ऊर्जा दोलन के दौरान अधिकतम मान की 1/4 है। सही है, देखना सॉल्यूशन क्या होगा, कण की जो अपने पास में स्थितिज ऊर्जा होगी पोटेंशियल एनर्जी, वो अपने पास में कितनी होती है, वो अपने पास में होती है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या अपने पास में वाई स्क्वायर, कुछ भी मान सकते हैं, ये अपने पास में होगी पोटेंशियल एनर्जी। सही है, ये बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा उसके दोलन के दौरान अधिकतम मान की 1/4 है। दोलन के दौरान अधिकतम मान कितना हो गया, दोलन के दौरान अपने पास में अधिकतम मान न्यू मैक्सिमम, दोलन के दौरान अधिकतम मान होगा वो अपने पास में होगा e के बराबर 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्थितिज ऊर्जा इसके दोलन के दौरान अधिकतम मान की 1/4 के बराबर है। सही है, तो यहाँ से अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी बराबर अधिकतम मान, दोलन के अधिकतम मान का 1/4, अधिकतम मान का 1/4 के बराबर है। सही है, तो यहाँ से अपने को इसका विस्थापन याद करना है। सही है, तो पोटेंशियल एनर्जी का मान तो कितना है, ये अपने पास में है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, न्यू मैक्सिमा का मान अपने पास में है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू अपॉन में 1/4। सही है, इधर देखना अपने पास में 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से अपने पास में बचेगा एक्स स्क्वायर विस्थापन, एक्स स्क्वायर बराबर बचेगा ए स्क्वायर बाई 4। सही है, तो विस्थापन एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्स बराबर अपने पास में आ जाएगा ए बाई 2, इसका रूट हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए बाई 2, तो कितना ए बाई 2 कौन से में है, ये दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सही है, अभी अधिकतम मान की बात करें, अधिकतम मान अपने पास में कितना होगा, एनर्जी के बराबर होगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दोलन के दौरान अधिकतम मान की 1/4 है। सही है, पोटेंशियल एनर्जी दोलन के दौरान अधिकतम मान की 1/4 के बराबर है, 1/4 के बराबर रख दिया, इसको सोल्व कर देंगे तो एक्स का मान आ जाएगा ए बाई 2, ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। इन दोनों को क्या करो, कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इनको भी सोल्व कर लेते हैं, बाकी जिसने थ्योरी क्लास पढ़ी है वो इन क्वेश्चनों को देखते कर देगा। सही है, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, सरल आवर्ती दोलित्र की कुल ऊर्जा समानुपाती होती है, तो जो सरल आवर्ती दोलित्र होता है उसकी कुल ऊर्जा अपने पास में क्या होती है, सॉल्यूशन की हम बात करें, सरल आवर्ती दोलित्र की कुल ऊर्जा ये बराबर अपने पास में होती है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सही है, ए अपने पास में यहाँ क्या है, आयाम है। सही है, तो ऑप्शन दे रखा है विस्थापन के वर्गमूल के,
वेग के, आवृत्ति के या आयाम के वर्ग के। तो जो अपने पास में कुल ऊर्जा ई है, यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है? जो कुल ऊर्जा ई है वो समानुपाती है अपने पास में ए स्क्वायर के, सही है। तो ऊर्जा अपने पास में आयाम के वर्ग के समानुपाती है, ए अपने पास में क्या है? आयाम। तो आयाम के वर्ग के समानुपाती कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन सी हो जाएगा, सही है। अगला दे रखा है, एक वस्तु सरलावत गति कर रही है, इसकी स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा एक्स के फलन के रूप में मापी जा रही है, कौन सा कथन सत्य है? एक्स इक्वल टू जीरो पर स्थिति ऊर्जा का मान अधिकतम होगा, एक्स इक्वल टू जीरो पर गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम होगा, एक्स इक्वल टू जीरो पर कुल ऊर्जा शून्य होगी, एक्स इक्वल टू जीरो पर अधिकतम मान के लिए गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, सही है। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर ग्राफ में अपने पास में क्या था? ऐसा था, एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ था, ये अपने पास में ए था, यहाँ ए माइनस का ही था, सही है। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर जो गतिज ऊर्जा थी उसका मान अधिकतम था, ये से था अपने पास में। गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा का मान क्या था? ये अपने पास में था न्यूनतम, ये से था अपने पास में ग्राफ, सही है। ये अपने पास में थी गतिज, ये थी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, और ये अपने पास में थी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, सही है। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर काइनेटिक एनर्जी का मान अधिकतम है, तो एक्स इक्वल टू जीरो पर गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, ऑप्शन नंबर दो सी हो जाएगा, सही है। थ्योरी क्लास में इसको ड्राइव करवा रखा है। आगे दे रखा है, सरल आवर्त गति करते हुए कण के लिए यदि ई और वी क्रमशः आवर्त काल में औसत गतिज ऊर्जा, ई तो है औसत गतिज ऊर्जा और न्यू अपने पास में है औसत स्थितिज ऊर्जा, कौन सा संबंध सही होगा? औसत गतिज ऊर्जा और औसत स्थितिज ऊर्जा दोनों का मान अपने पास में बराबर होता है, सही है। यानी कि अपने पास में औसत गतिज ऊर्जा ई का मान भी अपने पास में एक बटा चार एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा का मान भी अपने पास में एक बटा चार एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होता है, यानी औसत गतिज ऊर्जा और औसत स्थितिज ऊर्जा अपने पास में बराबर होगी, तो ऑप्शन एक सी हो जाएगा, सही है। सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की कुल ऊर्जा निर्भर करती है, तो ये उसी से हो जाएगा पहले वाले से, देखना सॉल्यूशन। कुल ऊर्जा ई बराबर अपने पास में कितनी होती है? ये होती है एक बटा दो एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सही है। तो जो कुल ऊर्जा है वो निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है? आयाम पर, आयाम पर निर्भर कर रही है ए पर, सही है। ई समानुपाती है ए स्क्वायर के, यानी कि ई आयाम पर निर्भर कर रहे हैं। इसके अलावा आवर्तकाल ओमेगा इक्वल टू कितना होता है? टू पाई अपॉन टी, तो आवर्तकाल पर भी निर्भर कर रहा है, यानी कि ई व्युत्क्रमानुपाती होगा वन अपॉन टी स्क्वायर के। ओमेगा इक्वल टू कितना होगा? टू पाई अपॉन टी, तो टू पाई का स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर के समानुपाती होगा, सही है। तो जो अपने पास में ऊर्जा होगी वो आयाम पर निर्भर करेगी, आवर्तकाल पर निर्भर करेगी, विस्थापन इसमें नहीं है, विस्थापन पर निर्भर नहीं करेगी। कौन कौन से निर्भर करेगी? आयाम और आवर्तकाल पर, यानी कि एक और दो सही है। किस किस पर निर्भर करेगी? पहले पर और दूसरे पर निर्भर करेगी, तो सही है। ए ऑप्शन अपने पास में इसका करेक्ट हो जाएगा, सही है। बाकी ये क्वेश्चन जिसने थोड़ी क्लास डे पढ़ रखी है वो इन क्वेश्चनों को आराम से क्या है देखते ही सोल्व कर देगा। तो आप इनको क्या करो, चारों क्वेश्चनों को अपने कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि एक सरल आवर्त गति की समीकरण अपने को दी गई है, y इक्वल टू टेन साइन 20t प्लस 0.5 के द्वारा प्रदर्शित है, तो सरल आवर्त गति का आयाम कितना होगा? आयाम अपने पास में क्या होगा? आयाम अपने पास में होगा 10। एक का वैल्यू क्या क्या है यहाँ पे? एक का वैल्यू है 10, तो आयाम कितना हो जाएगा? 10। कौन सा ऑप्शन सी होगा? ए बराबर 10, ए बराबर आयाम बराबर अपने पास में होगा 10, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही है। इसी क्वेश्चन में अपने पास में ये वाला बिंदु क्या होता है? आयाम होता है, तो आयाम का मान 10 दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, एक सरल आवर्त गति कर रही किसी कण का आवर्तकाल टी है, तो माध्य स्थिति से आयाम दूरी तक जाने में लगा समय, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। ये अपने पास में कोई कण है, ये इसकी माध्य स्थिति जीरो, ये आयाम स्थिति है ए, यानी जीरो से ए तक जाने में लगा समय इसको चेक करना, सही है। तो अपने पास में ए तक जाना है, तो अपने पास में ए इक्वल टू कितना होगा? ए साइन ओमेगा टी, या एक्स इक्वल टू साइन ओमेगा टी, या वाई इक्वल टू साइन ओमेगा टी, वाई का मान दे रखा है ए तक जाना है, तो ए इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इधर देखना, ए से ए कटेगा, इधर बचेगा ए एक बराबर साइन ओमेगा टी। एक को क्या लिख सकते हैं? एक अपने पास में होता है साइन 90 का मान, यानी पाई बाई टू का मान, ये अपने पास में पाई बाई टू। इधर अपने पास में साइन से साइन कटेगा, ओमेगा इक्वल टू टू पाई अपॉन टी इंटू अपने पास में स्मॉल टी, ये पाई से पाई कटेगा, तो यहाँ से अपने पास में क्या आएगा? टी बराबर ये टी इस तरफ जाएगा, दो इसके नीचे आएगा, ये हो जाएगा टी बाई फोर। तो समय होगा अपने पास में टी बाई फोर कौन से ऑप्शन में है? ये अपने पास में है दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। ऐसे क्वेश्चन अपने पहले भी किए हैं।
ए तक पहुँच रहा, तो यहाँ पर वाई की जगह ए रख देंगे, तो ए ए साइन ओमेगा टी होता है, ए से कटेगा वन बचेगा, इधर साइन ओमेगा टी बचेगा, ये होगा अपने पास में साइन पाई बाई टू, ये साइन ओमेगा टी, साइन से साइन कटेगा, इधर बचेगा पाई बाई टू, ओमेगा टी में ओमेगा का वन टू पाई पॉइंट टी, ये इंटू टी, पाई से पाई कटेगा, दो इसके नीचे आएगा टी इस तरफ जाएगा, टी बाई फोर हो जाएगा, सही है। अगला अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 11, सरल आवर्त गति करते हुए कण की माध्य स्थिति से अक्ष दूरी पर स्थिति जुड़ जा, स्थिति जुड़ जा इसमें क्या होता है, ये अपने पास में होता है एक बटा दो एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, कौन से में है, ये अपने पास में है, स्थिति जुड़ जाए की बात कर रहा है ये, स्थिति जुड़ जाए में अपने पास में एक बटा में दो के एक्स स्क्वायर होता है, के की जगह है एम ओमेगा स्क्वायर, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थिति जुड़ जाए अपने पास में कितनी होती है, एक बटे में दो के एक्स स्क्वायर होती है, के की जगह है एम ओमेगा स्क्वायर, तो एक बटे में दो के एक्स स्क्वायर हो गया, ये बात कर रहा है स्थिति जुड़ जाए पोटेंशियल एनर्जी की, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगी। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12, 5 सेमी आयाम की सरल आवर्त गति करते हुए कण की महत्तम चाल मैक्सिमम इसकी वेलोसिटी दे रखी है अपने को, महत्तम चाल बोले तो वी मैक्सिमा दे रखा है, वी मैक्सिमा दे रखा है 31.4, और इसमें अपने को कंपन की आवृत्ति याद करनी है, आवृत्ति बोले तो आवर्तकाल का व्युत्क्रम, यानी कि 1/T इक्वल टू एन, ये अपने को याद करना है, सही है। आयाम भी अपने को दे रखा है, आयाम ए इक्वल टू अपने को दे रखा है 5 सेमी, तो यहाँ से देखना अपने पास में क्या होगा, वी बराबर अपने पास में कितना होता है, वी मैक्सिमा, ये अपने पास में होता है ए ओमेगा की, वी मैक्सिमा का मान है 31.4 बराबर, एक का मान है 5, ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/T, 2π/T सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में 31.4 बराबर ये 5 गुणा ये 2 और ये पाई, पाई का मान कितना होगा 3.14, या इसको पाई रहने देते हैं पाई, 1/T का मान ये रहा, 1/T अपने को याद करना है, सही है, 1/T या नीटा अपने को याद करना है, ये अपने पास में 1/T या नीटा, ये अपने को याद करना है, तो इसके बटा में आ जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 31.4 बटा 5 गुणा 2 गुणा पाई का मान 3.14 बराबर अपने पास में होगा आवृत्ति एन, सही है। इसको सोल्व कर लेते हैं, देखना है यहाँ से, ये यहाँ से हटेगा, ये 2 जीरो ऊपर लगेंगे, ये यहाँ से हटेगा, 1 जीरो नीचे लगेगा, सही है, तो ये अपने पास में 314 और 0 कटेगा, ऊपर बचेगा 10 और नीचे कितना बचेगा अपने पास में 10, तो ये 10/10 बराबर आवर्ती के, तो 10/10 मतलब कितना हो गया 1, तो यानी कि यहाँ से एन का मान कितना हो गया, ये अपने पास में आवर्ती हो गई अपने पास में 1/10, 1/10 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 1/10 अपने पास में ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और इसको सोल्व कर देंगे, सही है। यहाँ से अपने को एन का मान याद करना है, एन बोले तो आवर्ती, आवर्ती अपने पास में हो जाएगी 1/10, जो चौथे ऑप्शन सही है। इस प्रकार इन चारों क्वेश्चनों को अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13, इसमें अपने को दिया गया है कि माध्य स्थिति से 3 सेंटीमीटर दूरी पर सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण अपने को दे रखा है, इसके लिए अपने को आवर्तकाल याद करना है, सही है। आवर्तकाल बोले तो टाइम पीरियड टी का मान याद करना है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, त्वरण अपने पास में कितना होता है ए मैक्सिमम, ये अपने पास में होता है ए ओमेगा स्क्वायर, सही है। ए मैक्सिमम त्वरण का मान अपने को दे रखा है, ये अपने को दे रखा है 12 बराबर, ए आयाम बोले तो अपने पास में 3 सेंटीमीटर दूरी पर है, माध्य स्थिति से विस्थापन यानी आयाम अपने पास में है 3, यहाँ से अपने को ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है 2π/T स्क्वायर है, इसको दो बार लिख देंगे 2π/T, सही है। अब यहाँ से अपने को आवर्तकाल टी का मान चाहिए, सही है। तो देखना क्या होगा, ये अपने पास में टी और टी, ये इस तरफ जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर 12 इसके बटा में आएगा, ये 3 × 2π × 2π बटा अपने पास में ये 12, ये बनेगा अपने पास, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास टी स्क्वायर बराबर 3 × ये अपने पास में 2π × ये अपने पास में 2π, ये 3 से कटेगा, 3 × 3 और 3 × 12, ये बनेगा अपने पास, सही है। तो टी स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा रूट, टी बराबर कितना हो जाएगा, ये रूट का 2π × 2π × 4 को ले सकते हैं 2 × 2, सही है।
रूट में बाहर आएगी, इन दोनों में से रूट के बाहर आएगा तो टी बराबर कितना हो जाएगा, ये टी बराबर अपने पास में हो जाएगा 2π/2। सही है, इन दोनों में से एक बाहर आ जाएगा रूट के, इन दोनों में से एक रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ से देखना अपने पास में 2 से 2 कटेगा तो टी बराबर पाई का मान कितना होता है, ये होता है 3.14, फिक्स है 3.14 सेकेंड। तो टी बराबर अपने पास में आवर्तकाल टी हो गया 3.14 सेकेंड, कौन से में, चौथे ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो गया। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें दिया गया है कि एक सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन एक्स समय टी के साथ समीकरण दे रखा है, अपने को गति की आवृत्ति याद करनी, यानी आवर्तकाल के उत्क्रम याद करना है, देखना सॉल्यूशन कितना होगा। अपने को याद करना है 1/t अपने पास में होता है एन आवर्ती, आवर्ती आवर्ति का मान याद करना है। सही है, तो इसमें अपने पास में एक्स इक्वल क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा का मान कितना है यहाँ पे अपने पास में ओमेगा टी, तो ओमेगा का मान है 4π है ओमेगा का मान। सही है, ओमेगा इक्वल टू अपने पास में होता है 2π/t, ये अपने पास में होता है 2π/t इक्वल टू अपने पास में है 4π। सही है, इधर पाई से पाई कटेगा, ये 2 से कटेगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 1/t बराबर ये 2, ये बनेगा अपने पास में 1/t किसके बराबर होता है, आवर्ती के बराबर होता है एन के, ये अपने पास में एन, ये आवर्ती, आवृत्ति बराबर कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया 2 हर्ट्ज। 2 हर्ट्ज कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में है चौथे ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार इन दोनों क्वेश्चनों को अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले में बोल के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें अपने को दिया गया है कि कोई कण इस प्रकार गति करता है कि उसका त्वरण अपने को दे रखा है a = -kbx द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें x संतुलन स्थिति से विस्थापन तथा b कोई नियतांक है, तो अपने को दोलनकाल या इसका आवर्तकाल याद करना है। सही है, तो देखना अपने पास में टाइम पीरियड क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो क्वेश्चन में अपने को गिवन है कि a = अपने पास में है -kbx। सही है, अपने को इसमें दोलनकाल याद करना है, टाइम पीरियड t। तो यहाँ से देखना इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन m से मल्टीप्लाई करो देते हैं, इसको भी m से मल्टीप्लाई, इधर भी इसको भी m से मल्टीप्लाई। सही है, ऐसे इसको लिख सकते हैं। सही है, अब m ये अपने पास में किसके बराबर होता है, ये अपने पास में होता है f बराबर m b, ये माइनस का अपने पास में m b और ये अपने पास में x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। सही है, अब अपने पास में एक फॉर्मूला होता है f इक्वल टू होता है -kx। सही है, इन दोनों का कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से देखना अपने पास में k बराबर कितना है, यहाँ से अपने पास में k बराबर आ रहा है एम बी के, इन दोनों समीकरणों से इनको दोनों का कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर k इक्वल टू क्या है एम बी। सही है, अपने को इसमें टाइम पीरियड याद करना है, टाइम पीरियड अपने पास में क्या होता है, टी इक्वल टू अपने पास में होता है 2π√m/k, ये होता है टाइम पीरियड का वैल्यू। तो यहाँ से देखना अपने पास में यह 2π, ऊपर अपने पास में m/k का मानिए रहा, ये अपने पास में है एम बी। सही है, ये m से m कटेगा, क्या बचेगा अपने पास में t इक्वल टू बचेगा 2π, ये अपने पास में √1/p, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2π/√b। कौन से ऑप्शन में, ऐसा ऐसा अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, यहाँ से k का वैल्यू याद करके यहाँ उठा के रख देंगे, इसको सोल्व कर देंगे। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 16, दो कण है a व b, टी व 5t/4 आवर्तकाल से सरल आवर्त गति कर रहे हैं, दोनों कणों की माध्य स्थिति से प्रारंभ करते हैं, जब कण ए अपना दोलन पूर्ण करता है तो उनके बीच कलांतर क्या होगा, कलांतर याद करना है। सही है, कलांतर बोले तो फाई का मान याद करना है, तो φ = अपने पास में कितना होता है, φ = अपने पास में होता है 2π/t अपने पास में होता है डेल्टा। सही है, तो पहले वाले कण ए की बात करते हैं, कण ए में अपने पास में 5 1 लेके चलते हैं, 5 1 इक्वल टू 2 पाई, इसका अपने पास में आवर्तकाल दे रखा है t/∆t, अपने पास में कितना है t मान लेते हैं, तो यहाँ से 5 1 कितना आएगा, 5 1 अपने पास में आएगा 2 पाई, टी से टी कटेगा 2 पाई बचेगा। इसी प्रकार से 5 2 अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में 2π/t, टी की जगह यहाँ कितना है 5t/4, ये उल्टा हो जाएगा बटा में, तो ये हो जाएगा अपने पास में 4/5t अपने पास में ∆t की जगह t। सही है, यहाँ पर टी से टी कटेगा, कितना बचेगा ये 8π/5। आगे अपने को इसके बीच कलांतर याद करना है, कलांतर अपने पास में कितना होगा, कलांतर अपने पास में होगा 5 1 -kπ 2,
फाई वन का मान कितना, ये अपने पास में है टू पाई माइनस का, फाई टू का मान ये अपने पास में है एट पाई अपॉन फाइव। एलसीएम कितना आएगा यहाँ से, एलसीएम आएगा पाँच, पाँच को इससे गुणा करेंगे, पाँच दूरी दस पाई, दस पाई माइनस का इधर होगा आठ पाई। तो यहाँ से अपने पास में कलांतर, ये अपने पास में कितना हो जाएगा, एट में से दस में से आठ जाएगा दो बचेगा, दो पाई बटा पाँच। ये कौन से ऑप्शन में है टू पाई अपॉन फाइव, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर तीन में। तो ऑप्शन नंबर तीन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये अपने पास में इन दोनों के बीच कलांतर आ जाएगा, फाइव वन माइनस फाइव टू, ये फाइव वन माइनस का फाइव टू बराबर होगा टू पाई अपॉन फाइव के, सही है। तो इन दोनों को क्या करो, कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने को दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 17, इसमें अपने को दिया गया है कोई गति का समीकरण है, समीकरण अपने पास में यह है कि यहाँ पे बल नियतांक है, तो इसके लिए आवर्तकाल टाइम पीरियड अपने को याद करना है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा, ये अपने पास में सरल और गति करते हुए कण के लिए क्या है, अवकल समीकरण है, इस समीकरण से इसकी कंपेयर करते हैं, सही है। तो यहाँ से अपने पास में के इक्वल टू कितना होगा, के इक्वल टू अपने पास में होता है एम ओमेगा स्क्वायर, ये एम इसके मल्टीपल में होता है डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, क्या बचेगा अपने पास में, ये बचेगा अपने पास में के का वैल्यू एम ओमेगा, सही है। इससे कंपेयर करते हैं इसका, तो यहाँ से के इक्वल टू अपने पास में होगा ओमेगा स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से ओमेगा का मान कितना होगा, ओमेगा का मान होगा रूट का के, ओमेगा इक्वल टू कितना होगा रूट का के, सही है। अपने को टाइम पीरियड याद करना है, तो अपने पास में ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है टू पाई अपॉन टी। तो यहाँ से टी बराबर कितना होगा, टी बराबर अपने पास में होगा टू पाई अपॉन ओमेगा, सही है। तो ये यहाँ से टू पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा का मान कितना ये रूट का के, रूट का के, तो टाइम पीरियड कितना आ गया टी बराबर टू पाई अपॉन रूट का के, कौन से ऑप्शन में ये, यह है तीसरे ऑप्शन, सही है। अवकल समीकरण होती है, अवकल समीकरण से इसका कंपेयर करेंगे, अवकल समीकरण अपने पास में क्या होती है, वो अपने पास में इस फॉर्म में आता है, वो आता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, डी टी स्क्वायर मल्टीपल में एम इक्वल प्लस अपने पास में एम ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, ये होता है अवकल समीकरण। इससे इसका कंपेयर करेंगे, एम इसके डिवाइड में आएगा, एम से एम कटेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई, क्या बचेगा ये अपने पास में, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का एम से एम कटेगा तो ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। इन दोनों का कंपेयर करेंगे दोनों का, तो यहाँ पे के की जगह कितना है ओमेगा स्क्वायर, ये रहा के बराबर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा का मान आ जाएगा, ओमेगा का मान उठा के यहाँ रख देंगे, अपने पास में तीसरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 18, एक कण टी आवर्तकाल से सरल और गति कर रहा है, तो माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन की आद्य विस्थापन तक गति करने में कण द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें, देखना सॉल्यूशन क्या होगा। ये अपने पास में कोई पार्टिकल है, वो ऐसे गति कर रहा है, अधिकतम विस्थापन अपने पास में होगा ए, अधिकतम विस्थापन के आद्य विस्थापन ए बाई टू तक, ए बाई टू तक गति करने में लिया गया समय ज्ञात करना है, सही है। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन के आद्य तक गति करने में लिया गया समय, यहाँ से यहाँ तक गति करने में लिया गया जो समय है वो ज्ञात करना है, जीरो से ए बाई टू तक। तो यहाँ से अपने पास में देखना वाई इक्वल टू अपने पास में समीकरण क्या होता है, ये अपने पास में होता है ए साइन ओमेगा टी, वाई की जगह यहाँ क्या ए बाई टू तक पूछ रहे हैं आद्य विस्थापन तक, वाई इक्वल टू हो जाएगा ए बाई टू इक्वल टू ये ए साइन ओमेगा टी, ए से ए कटेगा इधर बचेगा वन बाई टू, ये साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, वन बाई टू किसका वैल्यू होता है, ये अपने पास में होता है साइन पाई बाई सिक्स का इक्वल टू अपने पास में इधर साइन ओमेगा का मान टू पाई अपॉन टी इंटू ये अपने पास में स्मॉल टी, साइन से साइन कटेगा पाई से पाई कटेगा, सही है। इधर अपने पास में टी बराबर कितना बचेगा, ये टी इसके बटा में आएगा, टी इस तरफ जाएगा, कैपिटल टी बटा बारह बराबर टी। तो लिया गया जो समय होगा वो अपने पास में कितना होगा, टी अपॉन ट्वेल्व, कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में है चौथे ऑप्शन, तो चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपने पास में तो दोनों प्रॉब्लम है, इनको अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 19, इसमें अपने को दिया गया है कि सरल आवर्त गति करते हुए कण की एक्स विस्थापन पर स्थितिज ऊर्जा E1, वाई विस्थापन पर स्थितिज ऊर्जा E2 और एक्स प्लस वाई विस्थापन पर स्थितिज ऊर्जा E है, तो कौन सा रिलेशन सही है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा, ये अपने पास में स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होती है, ये अपने पास में होती है एक बटा दो के एक्स स्क्वायर, सही है, ये एक्स स्क्वायर विस्थापन एक्स दे रखा है, एक्स विस्थापन स्थितिज ऊर्जा कितनी दे रखी है इसने, इसने दे रखी है E1, ये E1 बराबर कितना हो गया एक बटे में दो के एक्स स्क्वायर, और जो वाई विस्थापन है तो स्थितिज ऊर्जा E2 है, तो E2 बराबर कितना हो गया यहाँ से
ए टू बराबर एक बट्टे में दो के वाई स्क्वायर, सही है। और एक्स प्लस वाई विस्थापन पर स्थितिज ऊर्जा ई है, एक्स प्लस वाई विस्थापन पर स्थितिज ऊर्जा ई है, ई बराबर एक बट्टे में दो के एक्स प्लस वाई इसका स्क्वायर, एक्स प्लस वाई विस्थापन पर स्थितिज ऊर्जा ई है, एक्स विस्थापन पर स्थितिज ऊर्जा ई1 है, वाई विस्थापन पर स्थितिज ऊर्जा ई2 है। अपने को ई1, ई2 और ई में रिलेशन याद करना है, सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना, इस वाले समीकरण से, इस वाले समीकरण से अपने पास में एक्स बराबर कितना होगा, यहाँ से एक्स बराबर ये अपने पास में होगा ई वन, टू इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा टू ई वन अपोन के, टू ई वन अपोन के बराबर एक्स इसका रूट, ऐसे लिख सकते हैं इसको, टू इस तरफ जाएगा टू ई वन के इसके बटा में स्क्वायर का हो जाएगा रूट, ये आ गया एक्स का मान। यहाँ से वाई की वैल्यू याद करें तो वाई इक्वल टू कितना होगा इस वाले से, ये हो जाएगा टू ई टू अपोन के इसका रूट, तो ये एक्स का मान भी अपने पास में हो गया वाई का मान, सही है। तो यहाँ से अपने पास में दोनों वैल्यू उठा यहाँ रखते हैं एक बार और चेक करते हैं रिलेशन को। तो यहाँ से ई बराबर क्या दे रखा है, ये अपने को दे रखा है वन बाई टू के कोष्टक, एक्स का मान, एक्स का मान अपने पास में है, ये अपने पास में है रूट का टू ई वन अपोन के प्लस वाई का मान, वाई का मान है रूट का टू ई टू अपोन के, ये इसका स्क्वायर। तो यहाँ से देखना क्या बनेगा, ये बनेगा ई बराबर वन बाई टू ये के, इसमें भी अपने पास में रूट का टू अपोन के है, रूट का टू अपोन के है, ये इसमें से बाहर आएगा, तो देखना क्या बचेगा, ये आएगा रूट का टू अपोन के इसमें से बाहर आएगा, अंदर बचेगा अपने पास में ई वन प्लस ई टू और इस पूरे का क्या है यहाँ स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा, ये बाहर आ जाएगा, ये अपने पास में ई बराबर कितना आएगा, ये जगह वन अपॉन टू और ये के, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा टू अपॉन के, सही है। इधर अपने पास में है ई वन प्लस ई टू का स्क्वायर, ये है अपने पास में। इधर देखना इस दो से दो कटेगा, इसके से एक कटेगा, तो ई बराबर कितना आ गया, ई बराबर अपने पास में आ गया ई वन प्लस ई टू का स्क्वायर, सही है। इस स्क्वायर के अंदर रूट कर देंगे तो अपने पास में क्या बनेगा, ये इधर अपने पास में रूट बचेगा, रूट टू के बाहर आएगा तो रूट का ई बचेगा, इधर रूट का ई टू बचेगा, ये रूट का ई टू बचेगा और रूट का ई वन बचेगा, सही है। ये तो अपने पास में रूट में बचेगा, ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से अपने पास में बच रहा है रूट का ई वन और ये रूट का ई टू, सही है। स्क्वायर के अंदर रूट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट का ई बराबर रूट ई वन प्लस रूट ई टू, ये अपने पास में रिलेशन आएगा तीनों में, कौन से ऑप्शन में ऐसा, ऐसा अपने पास में दूसरे ऑप्शन में, तो जो दूसरा ऑप्शन है वो अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार जो प्रॉब्लम है इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, सही है। पहला केस लगा के यहाँ से एक्स का मान याद कर लेंगे, फिर वाई का मान याद कर लेंगे, अपने को एक्स प्लस वाई पर दे रखी है स्थिति जुड़ जाए, तो ये केस होगा, एक्स और वाई का वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, इसमें रख के इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास में आएगा रूट ई बराबर रूट ई वन प्लस ई टू, जो दूसरे ऑप्शन में मैच करता है, सही है। तो आप इसको क्या करो, अपने को फिर मैं नोट करो, सही है। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।